हेलो फ्रेंड्स, कलरव स्कूल हाल ऑल प्रेजेंटिंग दिस वीडियो फॉर स्टैंडर्ड 8th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर द सुमित विथिन। ओके, अबाउट दिस चैप्टर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन वीडियो नंबर 1 दैट इज़ ऑलरेडी पब्लिश्ड। दोज हु हैडन्ट सीन दैट वीडियो फर्स्टली गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट यू विल गेट द आइडिया अबाउट दिस लेसन। We will describe about in this lesson about Major HPS Aluwalia, who was the member of the first successful Indian expedition to the Mount Everest, and his experience while he climbing over the Mount Everest. Okay, today we will discuss further the physical conquest of the mount is not only the part of the achievement. Okay, writer here describe that the physical part होता है जो conquest means जो victory होती है mountain climb करने की, तो एक part है achievement का। There is more to than that, it is followed by a sense of the fulfillment, there is a satisfaction of a deep urge of rise above one's surroundings. Okay, writer here describe कि किस तरीके से जो इसका importance होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर if you get the victory of this achieving this टारगेट, तो आपके अंदर जो फीलिंग आते हैं, वॉट एवर द काइंड ऑफ द फीलिंग केम इनटू इनसाइड, ओके, दैट इज वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। ओके, इट इज द एंच्योर लव फॉर द एडवेंचर इन मैन। इंसान के अंदर जो एक लव होता है, जो एडवेंचर के लिए लव होता है, वो इसका क्या है, एक कह सकते हो कि ये आपको सजेस्ट करता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, दिस एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली मेयरली फिजिकल, फिजिकल एक्सपीरियंस के बारे में ये नहीं है, इट इज इमोशनल एंड इट इज स्पिरिचुअल। ये इमोशनल भी है और स्पिरिचुअल, मतलब आध्यात्मिक भी है और भावात्मक भी है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। Considered a physical climb towards the summit onto the last heights. Okay, if you are talked about the last height, अंतिम चरण के आप अगर ऊपर चढ़ने की बात करो या तो imagination करो, you are sharing a rope with another climber. Okay, तो आपको जो दूसरे climber है उनके साथ जो रस्सी है वो क्या करनी पड़ेगी, share करनी पड़ेगी। You frame in, you cuts that the steps in the hard ice. ठीक है, आपको ऊपर चढ़ने के लिए जो hard ice होता है, एकदम hard बर्फ जो होता है, उसकी जो सीढ़ियाँ होती है, उसको सीढ़ियाँ बना के ऊपर चढ़ना होता है। Then he belays and you inch your वे अप। ओके, और उसके बाद धीरे 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 आप अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ते हैं। द क्लाइंब इज ग्रीम, यू स्ट्रेन एवरी नेवर एज यू टेक एवरी स्टेप। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट that help. Okay, here writer describe his experience with the us ke whenever he took down the his feet, jo upar chadhne ke liye jo taakat lagate hai, jo puri taakat ke sath upar chadhte hai, to उनको कितने सारे प्रॉब्लम होते हैं, बहुत ही हार्ड होता है। और जो फेमस जो माउंट क्लाइंबर होते हैं वो जो होते हैं उन लोगों को दूसरे जो लोग होते हैं जो किस तरीके से उनको हेल्प करते हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, ब्रीथिंग इज डिफ़िकल्ट। और दूसरा कि ऊपर चढ़कर सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यू कर्ज योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन दिस। ओके, आप अपने आप को कोसते हैं कि क्यों ऐसी सिचुएशन में आ गए, ऐसी फीलिंग वहाँ पे उस टाइम पे आती है। यू फेल्ट दैट काइंड ऑफ द फीलिंग व्हेन यू गॉट इन डिफ़िकल्ट। ठीक है, यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटूक द
ascent, there are mountains when you feel like going back. It would be a sheer relief to down instead of up, but almost at once you snap out of the mood. There is something in you that does not let you give up the struggle. Okay, here writer describe के जो आप अंदर से कोई फीलिंग आती है, ठीक है, अंदर से आपको जो जिस तरीके से फीलिंग आती है, आपको लगता है कि क्यों आपने आपको इस स्ट्रगल में डाल दिया, आपको अंदर से ऐसा लगता है कि ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ने का मैंने स्टार्ट ही क्यों किया। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, उस टाइम पे आप सोचते हो कि ऊपर चढ़ने की बजाय मुझे नीचे उतरना ही अच्छा रहेगा। लेकिन Whenever you come out from this mental situation, जब आप इस मानसिक स्थिति से बाहर आते हो, ठीक है, and you go on your companion keeps up with you just another 50 feet or 100 maybe, you ask yourself, is there no end? Okay. तो आप जिस तरीके से इसके अंदर से बाहर आते हो, तो अंदर से ऐसी कोई ताकत होती है जो आपको इस तरीके का जो स्ट्रगल है वो करने से रोकती, स्ट्रगल है वो छोड़ने से रोकती है। आपको लगता है कि मुझे आगे, आई वॉन्ट टू गो अहेड, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और आपके जो कंपेनियन होते हैं, आपके जो साथी होते हैं, वो आपका साथ देते हैं। ओके, राइटर हियर टॉक्ड अबाउट दैट कि खाली 50 फुट की चढ़ाई ही बाकी है, फिर भी कैसा लगता है 100 फीट जैसा बाकी है, ऐसा क्यों लगता है, ठीक है। आप अपने आप को कहते हैं कि कभी इसका एंड नहीं होगा, इज देयर नो एंड। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड लुक्स एट यू, यू ड्रॉ द इंस्पिरेशन फ्रॉम द ईच अदर एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर इट यू आर एट द समिट। ओके, तो यू फेल्ट दैट Why this not ending? आप अपने जो companion है उनको देखते हैं, वो आपको देखता है, और आप एक दूसरे को क्या देते हैं, inspiration देते हैं, और ऐसे ही अनजाने में आप क्या चढ़ जाते हैं, पूरे टॉप के ऊपर, सुमीत के ऊपर चढ़ जाते हैं। ओके, लुकिंग राउंड फ्रॉम द सुमीट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल वेयर, ठीक है। वेन एवर यू, जब आप टॉप के ऊपर, चोटी के ऊपर, शिखर के ऊपर जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं, तो अपने आप से क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया मैंने, ये करना बहुत ही ठीक था। अदरवाइज सिल्वरी पिक्स अपीयर दो द क्लाउड्स। ओके, तो ये जो क्लाउड के अंदर यानी कि बादल के अंदर ये जो पहाड़ होते हैं वो चांदी के जैसे चमकते हुए दिखाई देते हैं। इफ़ यू आर लकी देन सन में मे बी ऑन देम द सराउंडिंग पिक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकल अराउंड द नेक ऑफ योर सुमिट। ओके, अगर आप लकी हो तो उस समय पे अगर सन की रेज उसके ऊपर पड़ रही है तो चारों तरफ ऐसा लगता है कि पहाड़ ने गले में क्या पहन लिया है, हीरो वाला हार पहन लिया है। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस, आप जैसे नीचे देखते हो तो नीचे की तरफ एक बहुत ऐसी खाई दिखाई देती है, ठीक है, बहुत दूर दूर तक खाई दिखाई देती है। इट इज़ एन एनोबलिंग एंड सर्कलिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द सुमिट ऑफ द माउंटेन। यू बो डाउन एंड मेक योर ऑब्जेक्शंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। ओके, तो आप जब नीचे देखते हो तो दूर दूर बहुत सारी खाई दिखाई देती है, और कोई भी पहाड़ की चोटी से नीचे देखने में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और आप आगे झुककर अपने भगवान को क्या करते हो, प्रणाम करते हो कि थैंक गॉड आपने मुझे मेरे टारगेट तक पहुंचा दिया। दिस काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस फेल्ट व्हेन एवर यू रीच एट द टॉप ऑफ द सुमिट। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ द
Guru Nanak revealed left a picture of the goddess Durga. Writer here sharing the experience that जब वो एवरेस्ट के ऊपर पहुंच गए तो उन्होंने गुरु नानक देव का जो पिक्चर था वो वहां पे रख दिया, और उसका जो फ्रेंड था मतलब उसके साथ जो चढ़ा था रावत, उसने क्या किया कि दुर्गा का जो गॉडेस दुर्गा थी उनका जो पिक्चर था वो वहां पे रख दिया. Fu Dorji left a रसिक of the Buddha. ठीक है, और उनके साथ दूसरा एक कंपेनियन था Fu Dorji, उन्होंने भगवान बुद्ध का एक जो स्मृति चिन्ह आप कह सकते हो वो वहाँ पे रख दिया. उसके बाद एडमन हिलेरी हैड बरीड द क्रॉस अंडर अ क्रेन अ हीप ऑफ द रॉक्स एंड स्टोन इन द स्नो. दिस आर नॉट अ सिम्बॉल्स टू कॉन्किस्ट बट रिवेलेंस. ओके, और उनका जो एक दोस्त था दूसरा एडमन हिलेरी, उसने इस पहाड़ के अंदर चट्टानों के नीचे एक क्रॉस दबा दिया. ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी विक्ट्री के लिए नहीं, लेकिन अपने अंदर जो भगवान की अपने खुद के भगवान के लिए जो फेद था उनके लिए किया था. टॉप के ऊपर जब विक्ट्री उन्होंने अचीव कर ली, देन आफ्टर ही फेल्ट एन एक्सपीरियंस, उनको ऐसा अनुभव हुआ कि आप जो हो वो कंप्लीट रूप से चेंज हो चुके हैं, यू आर कंप्लीटली जो है वो बदल चुके हैं. ठीक है, दिस काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस राइटर फेल्ट व्हेन ही अचीव दिस टारगेट. ओके, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग अ क्लाइम टू द सुमीट चेंजेस योर कम्प्लीटली. बराबर है, आप जैसे ही ऊपर चढ़ते हो आप पूरी तरीके से बदल जाते हो, ये एक्सपीरियंस आपको पूरी तरीके से बदल के रख देता है. देयर इज अनदर सुमीट, इट इज विथ इन योर सेल्फ. एक और भी सुमीट है, एक और भी शिखर है जो कहाँ पे है, आपके खुद के अंदर है. इट इज इन योर ओन माइंड, जो आपके मन में है. Each man has carries within himself his own mountain peak. हर एक इंसान जो है वो इस तरीके से अपने खुद के जो माउंटेन पीक होते हैं उसके ऊपर पहुंचना चाहता है. He must climb to reach to the fuller knowledge of himself. वो जो है वो अपने आप के अंदर खुद के अंदर बहुत सारा जो नॉलेज है उसके टॉप के ऊपर पहुंचना चाहता है. इट इज़ फियरफुल, लेकिन ये डरावना है. एंड द अनस्क्रेबल, इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने जो अंदर के शिखर है उसके ऊपर पहुंचना एकदम डरावना भी होता है, और उसके ऊपर विक्ट्री अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है. बराबर है, उसके ऊपर कोई दूसरा इंसान जो है वो विक्ट्री अचीव नहीं कर सकता, खुद आपको ही ये करना होगा. ठीक है, यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको खुद करना पड़ेगा. द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द सुमिट ऑफ द माउंटेन. ठीक है, जैसे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हो तो किस तरीके का फीलिंग होता है, ठीक है, तो उसी तरीके आपको खुद करना होगा. दोनों मतलब फिजिकली और मेंटली जो चढ़ाई होती है वो एक जैसी होती है. ठीक है, और आप जिस जो कोई भी पहाड़ के ऊपर चढ़ते हो मतलब जो कोई भी टारगेट अचीव करना चाहते हो वो फिजिकली और मेंटली दोनों आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, अगर इफ़ यू वांट टू अचीव द टारगेट बाय योरसेल्फ. आउटसाइड इज अकीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विथ इन. द इफेक्ट्स ऑफ बोथ क्लाइंबर आर द सेम. वेन एवर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू. इट टीचिस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ. हियर राइटर डिस्क्राइब कि भाई आपको अगर कोई भी पहाड़ पर चढ़ते हो, वो चाहे वो फिजिकली हो या वो फिर मेंटली हो या स्पिरिचुअली हो, तो आपको उसके ऊपर चढ़ने में एकदम डिटरमाइंड रूप से आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे. ठीक है, और सर्टेनली चेंजेस आपके अंदर आ जाएंगे. एंड इट टीचेस यू, वो आपको सिखाएंगे मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ. वो दुनिया के बारे में भी आपको सिखाएंगे और अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा. आई वेंटर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड मी विथ द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑर डील्स
resolutely. Climbing the mountains was the worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summit are the perhaps the higher than the Everest. Here at last writer described के राइटर थॉट डेट के जिस तरीके से उन्होंने एवरेस्ट जीता, उनके एक्सपीरियंस ने उनको जीवन की बहुत सारी, लाइफ की बहुत सारी जो मुश्किली थी उसको एकदम डिटरमाइंड से सामना करने की उनको इंस्पिरेशन मिली. और जब इन्होंने माउंट क्लाइंब किया, ये जो एक्सपीरियंस था उनको लाइफ में बहुत काम लगा. उनको अंदर से एक विक्ट्री कैसे हासिल की जाती है उसका एक्सपीरियंस हुआ, और वो अंदर से एकदम अंदर से जो है उनका कॉन्फिडेंस जो था वो एवरेस्ट से भी बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया. HPS Ahluwalia, he was the writer who shared the own experience of his. Okay, so this is the story about the real incident, real experience, और उसके अंदर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. Okay, I hope you guys can get the idea about the lesson regarding this video. Question answer I will send through the PDF that you have to write down in your notebook. In our next video, we will discuss about the next chapter, new part. Okay, bye, take care.